वेलकम स्टूडेंट, यह है आपका लेक्चर नंबर 4 और इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर जो पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा मैं इस वाले लेक्चर में कि हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। सिर्फ ये दो टॉपिक कवर करेंगे और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इस वाले लेक्चर में हम दो चीज़ स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। पहले मैं डेफिनेशन पढ़कर बता देता हूँ आपको। इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इनहेरेंट का मतलब ये किसी भी बॉडी के खुद के अंदर की वाली प्रॉपर्टी है, ये किसी बाहर ऑब्जेक्ट से नहीं आई है। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री मतलब होता स्मॉलेस्ट, तो यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये कोई मैटर है, मैटर मान लो मतलब ये कोई मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर एक तरह का क्या है, मैटर। और मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर मिलके बना होता है कंपाउंड से। और कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, एटम से या फिर कह लो मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। और एटम किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो यानी कि पार्टिकल से मिलकर बने एटम, एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बने कंपाउंड और कंपाउंड से मिला मैटर और मैटर से बनके क्या बनता है, यूनिवर्स। तो आपको ये सीरीज समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पार्टिकल के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अभी तक पाए गए हैं वो तीन ये हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या इनसे भी छोटे होते हैं, आंसर होते हैं, बट हमें वो स्टडी नहीं करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वार्क कहते हैं उन्हें, क्वार्क, QUARK। ठीक है, तो बस हमें इनके बारे में स्टडी करना है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल जिसे हम बोल रहे हैं, हम इन पार्टिकल के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मटेरियल के अंदर हैं। क्योंकि देखो ये पार्टिकल मटेरियल के अंदर है, तो इस मटेरियल पे इन पार्टिकल की वजह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती हैं जिसके वजह से ये दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। यानी कि किसी भी बॉडी पे जैसे ही मार्कर है, इस बॉडी पे अगर ये पार्टिकल्स आ जाएं तो इन पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी है, इन पार्टिकल पे जो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता कितना टाइप का है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता दो टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आप सब जब पढ़ चुके हो। ठीक है, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोटॉन, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। चलिए, और जिस पे कोई चार्ज ना हो, जिस पे नो चार्ज हो, उसे कहते हैं हम न्यूट्रॉन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा, ये डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले बता देता हूँ कि जो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम इनकी ऐसा यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन है तो साथ में साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चा, अगली बात प्रोटोन। प्रोटॉन पे भी बेटा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसका साइन होता है प्लस। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब बात करेंगे इनके चार्ज की SI यूनिट की। जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो होती है कूलम, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, सी से आगे। ये एक तरह की चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जो कि अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती है, यानी कि विद
साइन एडिशन होता है इनका। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात आपने पढ़ी चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा, कि ये दो टाइप का होता है और इसकी ऐसा यूनिट क्या है और इनका चार्ज क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में है हाउ चार्ज प्रोड्यूस। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं एक साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ, वो याद कर लीजिए, चार्ल्स डू फे। फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं चार्जेस के ऊपर कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और कौन कौन से चार्ज होते हैं, इन्होंने बताया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक प्लास्टिक की रोड लेकर आए, उसे रब किया किसी मटेरियल से, मान लो सिल्क से इन्होंने रब किया, और उसे ये पेपर के जो छोटे छोटे पीस हैं उसके पास लेके गए रब करने के बाद, यानी कि रब किया सिल्क की रोड से, ऐसे मान लो सिल्क के कपड़े से इन्होंने रब किया इसे प्लास्टिक को रोड को, और किसके पास लेके गए, इन पेपर के पीसेस के पास लेके गए। इन्होंने देखा कि ये प्लास्टिक की रोड इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगी। इसका मतलब जब हमने प्लास्टिक की रोड को रब किया तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये लोगों को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, अब इन्होंने मटेरियल चेंज करके देखा, इन्होंने देखा क्या सब मटेरियल के साथ ऐसा होता है, तो इन्होंने इस बार क्या किया, एक ग्लास की रोड लेकर आए, फिर से उसे सिल्क के कपड़े से इन्होंने रब कर डाला, और इस बार फिर से पेपर के पीसेस के पास लेके गए। तो जब इस बार लेके गए, इन्होंने देखा कि फिर से क्या हुआ कि ग्लास जो है इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। तो इन्होंने एक बात कंफर्म कर दी कि यानी कि जब हम किसी मटेरियल को रब करते हैं तो उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरे मटेरियल को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। अब इन्होंने का, अब ये साइंटिस्ट हैं, एक एक्सपेरिमेंट से तो पेट भरेगा नहीं, तो उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। देखो क्या किया, बात को कन्फर्म करने के लिए इन्होंने ये किया, इस बार इन्होंने एक प्लास्टिक की रोड रब करी, उसे लटका दिया, और फिर एक ग्लास की रोड रब करी, उसे भी लटका दिया। अब इन्होंने देखा कि अगर ये अट्रैक्ट करते हैं पेपर को तो एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो इन्होंने जब एक दूसरे के साथ लटकाया तो इन्होंने देखा हाँ ये अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि ये बात कन्फर्म हो गई कि रब करने से मटेरियल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो चीज़ों को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो इन्होंने बताया कि चार्ज एक टाइप का है जो चीज़ों को क्या करता, अट्रैक्ट करता है। बट जब इन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट करा उस बात से, देखो क्या रिजल्ट आया, इन्होंने कहा कि चलिए एक बार एक काम करते हैं कि दो प्लास्टिक की रोड को साथ में लेकर आते हैं। तो इन्होंने दो प्लास्टिक की रोड को रब किया और साथ में ला के लटका दिया, तो इनका अनुमान था कि ये क्या करेंगे, दोनों प्लास्टिक की रोड अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे चीज को। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार क्या होने लगा, रिपल्शन। तो इसका मतलब इन्होंने, अच्छा इस बात को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या करा, इस बार ग्लास की रोड भी एक साथ लटकाई, देखा क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं क्या, तो इन्होंने देखा नहीं, ग्लास भी क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, रिपल्शन करते हैं। तो इन्होंने एक कंक्लूजन बना लिया, देखिए थोड़ा सा इसे साइड में कर लेते हैं। कंक्लूजन ये बनाया इन्होंने कि जब मटीरियल अलग अलग होते हैं तो फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्शन की, जब मटेरियल सेम सेम होते हैं तो फोर्स कैसी होती है, रिपल्शन की। तो उन्होंने एक कंक्लूजन बना लिया कि रब करने से यानी कि सेम चार्ज वाले, यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं एक दूसरे को, रिपेल, और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ से एक लॉ बन गया कि सेम कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसे बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए तो आज की क्लास में हमने ये सीख लिया है कि चार्ज क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की,
जिसमें क्या होता है किसी बॉडी पर ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने की। इलेक्ट्रिक फोर्स आइदर इट कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर। हमने सीखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल तीन तरह के हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में इतना, प्रोटॉन का प्लस में इतना, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं। ठीक है, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने ये देखा कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम किस चीज़ से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है, और हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, और आगे लेक्चर देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ धीरे धीरे। ओके बाय।